हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस जो आपके लाइफ में बहुत काम आती है। जी हां फ्रेंड्स, मार्केट में अक्सर हम लोगों को 100 ग्राम 50 ग्राम और 150 ग्राम 200 ग्राम इसके दाम अक्सर निकालना पड़ता है और वहां हमें समस्या भी होती है। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर है आपके बीच। और यहां पर क्या है, यहां पर 300 ग्राम का हमें दाम निकालना है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि अगर एक मुर्दा इंसान भी है तो वो भी इसका जवाब दे सकता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि गणित में अगर आप बहुत कमजोर हैं और पढ़े लिखे ना भी हों, तो भी अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप आसानी से, बहुत ही बिना कैलकुलेटर कागज कलम के, आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं और इस तरह का दाम जो है निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में पूरे बने रहिएगा जिससे पूरी कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ पाए। यहां मिलती रहती है आपको इसी तरह की हिसाब किताब और पढ़ाई लिखाई वाली नॉलेजफुल वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह के हिसाब किताब वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का ये वीडियो भी आपके ही कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है सुमन महतो जी ने। तो क्या लिखती हैं ये, इनका कमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर, सर मेरा क्वेश्चन है, 1 केजी काजू का दाम 750 रुपए है, मतलब 750 रुपए है, तो 300 ग्राम का कितना होगा रिप्लाई। मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपके क्वेश्चन को लिख लिया है। आइए देखते हैं कि हम इसे आसानी से कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे और इसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आप फटाफट मुंह जबानी ही चाहे तो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्या है, 1 केजी काजू का दाम। देखिए ये 1 केजी काजू है और 1 केजी काजू का दाम कितना है, 750 रुपए है। कितने हैं, 750 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर हम किलोग्राम न लिख करके अगर हम ग्राम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर हम इसमें 10 से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 10 से अगर हम डिवाइड कर दें तो देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा यहां पर कितना, 100 ग्राम। देखिए 100, 100 ग्राम, और इधर जो बचेगा वो हो जाएगा 100 ग्राम का मूल्य, कितना हो जाएगा, 75 रुपए। तो यहां पर आप देखिए 100 ग्राम का दाम हमको मिल गया है, ठीक है। अब 100 ग्राम का दाम जब हमको मिल गया है तो हम 300 ग्राम का दाम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जब 100 ग्राम का दाम मिल गया है, 300 ग्राम का दाम चाहिए तो हमें इसका 3 गुना करना पड़ेगा। तो जब हम इसका भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 75, 75, 150, और 150 में जब फिर से 75 हम मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 225 रुपए। तो देखिए इस तरह से 300 ग्राम का दाम हमको मिल गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो रहा मैनुअली तरीका, लेकिन अगर एक अनपढ़ व्यक्ति, अगर एक पढ़ा लिखा नहीं भी है और उनको भी अगर ये करना है तो देखिए यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो समझ रहे हैं डिवाइड, लेकिन कुछ भी नहीं समझ रहे हैं जो, तो उनके लिए इसका निचोड़ क्या है। इसका निचोड़ ये है, देखिए दुनिया का कोई भी संख्या हो तो उसके पीछे दशमलव और 00 छिपे रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर कुल मिला के हुआ कितना है, देखिए 100 ग्राम का आया है कितना, 75 रुपए आया है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं था, दशमलव पीछे छिपा रहता है, यही दशमलव यहां से खिसक कर यहां आ गया है, कितने के लिए, 100 ग्राम के लिए, और यही इसका निचोड़ है। तो यहां पर देखिए 100 ग्राम का दाम पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है,
पीछे से एक अंक पर दशमलव टिक देना है, बस पीछे से एक अंक पर दशमलव। कोई भी केजी का आपको दाम पता हो और मान लीजिए और उसमें आपको 100 ग्राम का जो दाम निकालने के लिए आपको पीछे से एक अंक पर केवल दशमलव लगाना है, आपको 100 ग्राम का दाम मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपको 300 का चाहिए तो 3 गुना हम लोगों ने यहाँ पे किया है तो 3 गुना हम भी कर देंगे। अगर 200 ग्राम का चाहिए तो हम 2 गुना कर देंगे। अगर 700 ग्राम का चाहिए तो हम 7 गुना कर देंगे। चलिए आइए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 चलिए मैं काजू ही ले रहा हूं, अच्छा वाला काजू है ये, मान लीजिए 800 रुपया किलो है। कितना किलो है? 800 रुपया पर केजी ये है, यानी 800 रुपया किलो है। और आपसे मैं पूछ रहा हूं 200 ग्राम का दाम। क्या पूछ रहा हूं? 200 ग्राम कितने का होगा? अब आप करेंगे क्या, आप 800 रुपया आप ऐसे लिखोगे, ठीक है? तो 800 रुपया में आप यहां पे दशमलव लगा दीजिए। अब ये जो होगा ये 80 रुपये बन जाएगा और ये हो जाएगा 80 रुपये, और 80 रुपये कितने का दाम होगा? 100 ग्राम का दाम होगा। तो अब हमें 200 ग्राम का दाम चाहिए तो 200 ग्राम के लिए हम इसी का 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 दुना 160 रुपये। बताइए है सरल कि नहीं? यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आप यहां कंफ्यूज नहीं हुई, यहां दशमलव के बाद जीरो को कोई मतलब नहीं रहता, ये दशमलव हर संख्या के पीछे रहता है। जितना भी आप दुनिया में संख्या देखते हैं हर संख्या के पीछे दशमलव छिपा रहता है। क्या रहता है? छिपा रहता है। जब जरूरत पड़ती है तब हम उसको बाहर निकालते हैं। तो देखिए यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि पीछे से एक जीरो हटा दीजिए, अगर जीरो है तो, और नॉर्मली आपको जो किलो में रेट मिलते हैं तो पीछे जीरो लगा हुआ जरूर मिलता है। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई अंक होगा तब हम क्या करेंगे। चलिए जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 3 में हम एक ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट जो है ये मान लीजिए, ये प्रोडक्ट जो है मान लीजिए 455, चलिए हम यहाँ पे जीरो नहीं मानते हैं, 455 रुपए केजी है। अब ये कितने रुपए केजी है? 455 रुपए। और हमें कितने का दाम निकालना है? हमें 400 ग्राम का दाम निकालना है कि कितना होगा फटाफट, ठीक? हम सभी जानते हैं कि जो भी यहाँ केजी का मूल्य लिखा हुआ है उसमें पीछे से एक अंक पर दशमलव टिक देना है। तो देखिए 100 ग्राम का दाम सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। तो 100 ग्राम के दाम के लिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने लिख लिया, अब पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए जीरो है तो उसको आप हटा के सोचिए, ठीक है? लेकिन अगर कोई अंक है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए दशमलव के आगे रुपए होता है और दशमलव के पीछे पैसे होता है। तो अब आप इसको 5 पैसे नहीं समझ लीजिएगा, ये आपका है 50 पैसे। अगर यहाँ पे एक ही अंक आपको मिला तो आपको एक जीरो लगाना है और तब आपको पैसे में इसको बताना है। तो अब देखिए 100 ग्राम का दाम कितना है? 45 रुपए 50 पैसे। अगर यही 200 ग्राम का दाम पूछा होता तो आप आराम से इसका 2 गुना कर लेते, 45 का 2 गुना 90 होगा और 50 पैसे का 2 गुना 1 रुपया होगा, तो 90 और 1 91 रुपए आसानी से हो गए, 91 रुपए हो गए। अगर आपसे 400 ग्राम का पूछा है कोई बात नहीं, फिर से आप इसका 2 गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 182 रुपए। तो कितना समय लगेगा इसको करने में आपको? बस पीछे से आपको कोई भी किलो का मूल्य पता हो आप पीछे से एक अंक पर दशमलव टिक दीजिए, ठीक है? और अगर जीरो है तब तो और आसान है, जीरो है तो एक जीरो ही हटा दीजिए आप पीछे से, तो यहां आपको 100 ग्राम का दाम मिल जाएगा। अब 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, कितने भी ग्राम का दाम निकालना है तो आप क्या कर देंगे? उसी का उतना गुना कर देंगे, आसानी से आपका यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा और आप आसानी से अब 100, 200, 400 ग्राम का दाम आसानी से आप निकाल पाएंगे। चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर मैं आपके लिए इसको रेज करके होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। चलिए ज्यादा नहीं, मैं 3 सिर्फ आपको दे रहा हूं और इसका आपको जवाब कॉमेंट में बताना है। वस्तु है 180 रुपए केजी, 180 रुपए केजी है, तो
चलिए 100 ग्राम का ही दाम, 100 ग्राम का दाम यहां बताना है आपको, ठीक है। चलिए यहां मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और वो है 450 रुपए प्रति केजी है, तो यहां आपको 300 ग्राम का दाम निकालना है। और अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और वो है 675 रुपए किलो, तो उसका आपको 200 ग्राम का दाम आपको निकालना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप इस ट्रिक का इस पे अप्लाई कीजिए और जल्दी जल्दी आप कमेंट में इसका जवाब लिखकर भेजिए, मैं आपके एक एक कमेंट को जरूर देखूंगा। सो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसा लगा? एक अंक पर दशमलव लगाकर हम 100 ग्राम का दाम निकाल सकते हैं आसानी से, और उससे हम और भी जितना हमें चाहिए उतने का दाम हम ग्राम का निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आपको कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट में हमें जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके कमेंट पर आधारित किसी और क्वेश्चन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप हमें चाहें तो सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिर्फ उम्मीदों का प्रभात। थैंक्स फॉर वॉचिंग।